हवाई संघर्ष समिति के आह्वान पर बिलासपुर बंद लोगों में काफी आक्रोश रहा, इसलिए पूरा समर्थन मिला। 50 से अधिक व्यापारिक संगठनों का समर्थन मिला और सामाजिक संस्थाओं ने भी खुल के समर्थन किया है। हवाई संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि ये लड़ाई समिति की नहीं समूचे बिलासपुर की है और पूरे बिलासपुर के आसपास रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर की है, क्योंकि रायपुर के लिए उन्हें 4 घंटे पहले और सीधा साधन नहीं मिल पाता, लेकिन बिलासपुर एक ऐसा शहर है जहां से समूचे कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर को 2 घंटे में ही यहां से सीधा महानगरों के लिए उड़ान की सुविधा मिलेगी। आइए देखते हैं पूरी खास रिपोर्ट। आज बिलासपुर न्यायधानी में जनसंघ समिति द्वारा जो हवाई सेवा के नाम से जो इन्होंने बंद का आह्वान किया है और इन्हें काफी विभिन्न संगठनों का, सामाजिक संगठनों का और व्यापारिक बंधुओं का पूरा समर्थन मिला है। और आइए इसी में बात करते हैं, जो इन समिति के जो सदस्य मेंबर है उनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या महोदय कैसा रहा आज का आपका बंद। देखिए, आप स्वयं देख रहे हैं पूरा शहर, पूरा नगर निगम क्षेत्र स्वस्फूर्त तरीके से बंद है। लोगों के मन में इतना आक्रोश है कि बिलासपुर के हवाई अड्डे को विकसित नहीं किया जा रहा है, यहाँ से नई महानगरों तक उड़ान नहीं दी जा रही है और जो चलती उड़ान है वो भी बंद की जा रही है, किराया मनमाना रखा गया है। तो केंद्र सरकार के लिए विशेष रूप से और साथ में राज्य सरकार के लिए भी संदेश है कि जनता का बत्ता बड़ा मुद्दा है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ये आज खुल के सामने आया है। जैसा कि देखा गया है कि विगत काफी वर्षों से, 3-4 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं इस उड़ान बिलासपुर में उड़ान के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर जो मिला है वो एक खाना पूर्ति की तरह पे मानेंगे उसको या किस तरीके से आप? देखिए, शुरुआत तो छोटे से ही होती है, लेकिन जिस तरीके से भोपाल की उड़ान और इंदौर की उड़ान को चलाने के 4-4 महीने बाद बंद किया गया, कोई भी चीज का 1 साल के पहले आप कैसे ट्रायल ले सकते हो कि ये सही था कि नहीं था? कम से कम 1 साल तो चलाते, और जिस तरीके से बंद किया गया उससे ये लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश है बिलासपुर एयरपोर्ट को बंद करने के खिलाफ। तो इनका कहना है कि कोई ना कोई साजिश के तहत इसको, एयरपोर्ट को बंद करने का है, लेकिन इनका जो है समिति है वो प्रॉपर पूरे शहर को अपने तरीके से बंद करवा रही है, और इनको कहना चाहिए व्यापारियों का और सामाजिक संगठनों का भरपूर सहयोग भी मिला है। कितने सामाजिक संगठनों का आपको? 50 से अधिक व्यापारिक संगठन और 50 से अधिक अन्य संगठनों का सहयोग मिला है और बहुत बड़ा है। बिलासपुर का आज बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद का पूरा समर्थन। और यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे काफी सारे कार्यकर्ता हैं और एक भाई साहब ने तो बकायदा अपने साथी पे एक 7 अप्रैल बिलासपुर बंद का लगाया हुआ है। मैं उनको कहूंगा कि प्रॉपर उनकी एक फुटेज भी बनाए और देखें। आपका नाम? संदीप दुबे। संदीप दुबे, बंद का कैसा अभी रहा और कितने बजे से आपने ये बंद का आह्वान सवेरे से आप निकले हैं? बंद तो आज सुबह से है और करीब करीब हम पूरा शहर आज घूमे हैं, सभी जगह बंद है। छूट मुट जो दुकान बंद थे उनको जानकारी नहीं था, बाहर के अब किसी माध्यम से नहीं मिल पाया था। अदरवाइज दिल से लोग समर्थन किए, ये पहला बंद देख रहा हूँ जहाँ बहुत ज्यादा हमको बोलना नहीं पड़ा और स्वस्फूर्त लोगों ने बंद किया है, समर्थन किया है और जायज मांग बिलासपुर। जैसा कि इनका कहना है कि पूरा बिलासपुर की जायज मांग है और इसके तहत में ही ये पूरे इन्होंने जो बंद का समर्थन है इन्हें प्रॉपर अच्छे से मिला है। हाँ, छूट फूट जगह इनका कहना है कि कुछ जगह में थी कि लोगों को जानकारी नहीं थी तो उन्होंने उनको बकायदा जाके उन्हें समझाइश दे के वो चीजें बंद करवाई है। और बात करते हैं कुछ और हैं जो अपना अपनी बात रखेंगे। देखिए, ये जो बंद है ये बंद हम लोगों का या समिति का बंद नहीं है, ये बंद शहर की जनता का बंद है और ये बंद केवल बिलासपुर का नहीं है। हम बिलासपुर एयरपोर्ट की तो मांग कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा केवल बिलासपुर के लोगों को नहीं होगा, आसपास जो जैसे रायगढ़ है या कोरबा है या जांजगीर चांपा है जिनको रायपुर कन्वीनियंट नहीं है उनके लिए बिलासपुर कन्वीनियंट रहेगा। उनको 4 घंटा चल करके जाना पड़ता है, 2 घंटा पहले चेक इन करना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो हवाई सुविधा है इससे व्यापारियों का फायदा होगा, छात्र छात्राओं का फायदा होगा, सारी आम जनता का फायदा होगा, हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आने वाले वर्षों में हम ये लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, चाहे ये केंद्र सरकार से लड़नी पड़े, अगर एक सीमा तक अगर हमको लगता है कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है तो हम वो भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सरकारें किसी की भी आती जाती रहे, हम लोग ये आम नागरिक के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी राजनीतिक दलगत राजनीति से उठ करके लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिलासपुर को एयरपोर्ट देना होगा, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के समिति के जो लोग हैं वो बिलासपुर को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए इनका वो था और काफी सारी जो
विस्तार से जानकारी है। आप देखिए इसमें काफी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने हमने संवाद किया है, और ये पूरी रिपोर्ट को आप देखिए रोशनी।